Teachers takes the hand, opens the mind, and touches the heart. Teachers Day in India is celebrated every year on 5th of September to honor the contribution of teachers in our study, society, and country. Teachers Day celebrated on the birthday of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Whether you call them a guru, a mentor, a teacher, or an educator, they all mean the same. It is the teachers who plays an extremely important role in shaping our lives and molding our personalities. They are the ones who work selflessly for our betterment and accept nothing in return. I would like to thank to all my dear teachers who taught me to strive for the excellent and become a better version of myself. I would like to appreciate all the efforts taken by them or being a support pillar of my life and being such an indispensable part of my life. Thank you so much. Let it hang. Let it bang. Good morning, sir. My name is Deepak Manali. My class is 3A. My roll number is 14. The title of my poem is Teacher's Day. Dear teacher, you are my guide, standing always at my side, to tell me what's wrong and right, to teach me the mantra to decide. The guidance that you provide assists me to reach the extra mile. The supports that you provide helps me to do the best all the time. The every effort ensures that I rise and shine. The every single day that you invest in me ensures that I daily grow wise. Dear teacher, you are my pride, always there with a smile. Always so calm and polite, always so patient and nice. Always focused to make me bright. I thank you from care of my heart. Happy Teacher's Day to the rock stars. Morning, sister principal, respected teachers, and my dear friends. I am Monu Rawat from class 9A, and today I am going to present the poem before you. गुरु जिस जग की पहचान नहीं थी उसमें आपने पहुंचा दी, मेरी हर गलती को न जाने कैसे आपने सुधार दिया। शुक्रिया कैसे अदा करूं उनका जिन्होंने मुझे ऐसा बना दिया, जिसे चाहती थी मैं मुझे वो मुकाम दिला दिया।
मेरे गुरु जिन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया, उनका कर्ज चुका नहीं सकती, कुछ ऐसे उन्होंने मुझे अपना कायल बना दिया। आपके बारे में लिखूं तो कागज़ छोटा पड़ जाएगा, आपकी तारीफ के पुल बांधूं तो रस्सा कम पड़ जाएगा, उस गुरु का तकल्लुफ़ कैसे करूं, उसी ने तो मेरा तकल्लुफ़ बनाया। वेरी गुड मॉर्निंग टू रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। पोएम खुद पर बने अर्चित के लिए हर उस फॉरवर्डेड मीम्स को आजकल जो चुपचाप सहते हैं, यह उनकी कहानी है जिसे हम गुरु मैडम सर या टीचर कहते हैं। हाँ, ये वही है जिनकी क्लास में अक्सर तुम छुप कर टिफिन खाया करते थे, होमवर्क तो घर पे छूट गया मैडम ऐसा बहाना बनाया करते थे। ये वही है जो तुम्हारी गलतियों पर अक्सर तुम्हें टोक दिया करते थे, जो गलतियाँ उन्होंने की वो तुम्हें करने से रोक दिया करते थे, पर अब ना वो रोकना ना टोकना सब कुछ ऐसे फाइन हो गया है। अरे अब तो स्कूल भी ऑनलाइन हो गया है, अब तुम होमवर्क करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, टीचर की डांट से अब कहाँ कोई बच्चा डरता है। पर काश काश तुम समझ पाते, तुम समझते कि ये लोग वो हैं जिन्होंने अपने अंदर वो अरमान रखा है, इस मुसीबत में भी कहीं तुम्हें पीछे ना छूट जाओ, तुम पीछे ना छूट जाओ इसलिए तुम्हारा हाथ थाम रखा है। कईयों की सफलता का वो अनकहा सा वजूद है, तुमको आगे बढ़कर पीछे हमेशा खुद रहे। मीलो दूर घर बैठकर स्क्रीन को घूर कर सीखना आसान नहीं होता, कितनी भी दिक्कतें झेलनी पड़े पर तुम्हें सिखाना एहसान नहीं होता। वो हिंदी की मैडम जो तुम्हें कविता सिखाया करती थी पूरे क्लास में घूमकर, आज उनकी कविता मिलती है यूट्यूब और जूम पर, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हें इस देश के भविष्य हो, तुम्हें भी हासिल वो मुकाम करना है, आगे चलकर तुम्हें रोशन उनका नाम करना है। तो चलो आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनका हौसला बढ़ाया जाए, इस जंग में वो अकेले नहीं है, तुम भी उनके साथ हो ये उन्हें बताया जाए, क्योंकि ये वो योद्धा हैं जिन्होंने अब तक हार नहीं मानी है, इस मुश्किल के दौर में भी हमारे भविष्य की नींव थामी है। आज के दिन सलाम करते हैं हम ऐसे टीचर्स को, विश यू अ हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग सिस्टर प्रिंसिपल, सिस्टर प्राइमरी इंचार्ज, ऑल द टीचर्स एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स. फर्स्ट आई विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे. इट इज़ माई ऑनर टू टॉक अबाउट आर डियर टीचर्स ऑन दिस स्पेशल ओकेजन. फ्रेंड्स, वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5th ऑफ सेप्टेम्बर एवरी ईयर विथ ग्रेट जॉय. एक्चुअली दिस डे इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन. Dr. Radhakrishnan was an excellent teacher, a great scholar, and President of India. His contribution to the field of education is greatly admired. Teachers' Day is the best way for students to express the love and respect for their teachers. Teachers are our real heroes and best friends. They inspire us, guide us, enlighten us, and most important, motivate us. They are the source of wisdom and knowledge. Teachers take their best efforts to turn the students into responsible citizens. It is rightly said that teaching is the profession that teaches all the other professions. Really, teachers are the backbone of our society. My dear teachers, we never forget you in our life. We are thankful and grateful for all your efforts today and every day. Thank you everyone. Good morning all teachers. My name is Sharshona, at KG class. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. To all my teachers. आप जो पढ़ाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, हम ना कभी रुकेंगे ना कभी झुकेंगे, जो भी चाहे वो बन जाएंगे. हैप्पी टीचर्स डे. हैप्पी टीचर्स डे. हैप्पी टीचर्स डे. ऑल माय टीचर्स, आपके मान को आपके सम्मान को ना कभी झुकने देंगे हम. हैप्पी टीचर्स डे. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day to all my teachers. Thank you. ज्ञान कहाँ उनके ज्ञान का आदि न अंत यहाँ. गुरु ने दी शिक्षा जहाँ उठी शिष्टाचार की मूर्त वहाँ. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, पूज्य गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों,
हमारे भारत देश में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस होता है। वह महान विद्वान, शिक्षाविद, लेखक और आदर्श शिक्षक थे। अलग अलग देशों में अलग अलग दिन यह दिवस मनाया जाता है। शिक्षकों के बहुमूल्य कार्य को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक माता पिता से ही महान होते हैं। माता पिता हमें जन्म देकर हमारी परवरिश करते हैं, लेकिन शिक्षक हमारा व्यक्तित्व विकसित करते हैं। वे हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। शिक्षक हमें पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमारे अंगभूत गुणों को पहचानकर हमें सही दिशा दिखाते हैं। शिक्षक हमें ना केवल किताबी ज्ञान देते हैं, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से भी अवगत करते हैं। वे हर विद्यार्थी के लिए प्रेरणादायक स्रोत होते हैं। उनके अनमोल विचार हमें हमेशा आगे बढ़ाने के प्रेरणा देते हैं। शिक्षक हमारे सच्चे दोस्त और मार्गदर्शक होते हैं। हम सभी को आज्ञाकारी विद्यार्थी के रूप में अपने शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, विद्यार्थियों को सही आकार देते हैं। हमें अपने शिक्षकों ने बताया मार्ग पर चलना चाहिए, तब हम अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए बस यही कहूँगी, आपने बनाया मुझे इस योग की प्राप्त करूँ मैं अपना लक्ष्य, दिया है हर समय अपने आपने सहारा, जब भी लगा मुझे कि मैं हूँ। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। ग्रीटिंग टू एवरीवन, वेलकम यू हियर ऑन द ओकेशन ऑफ टीचर्स डे सेलिब्रेशन। रिस्पेक्टेड सिस्टर प्रिंसिपल, सिस्टर प्राइमरी इन चार्ज, ऑल सिस्टर्स, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, I, Ritik of class 9, we welcome you here as we acknowledge and appreciate the work our teachers put in. Today, as we all know that we all are gathered here to honor and appreciate our teachers, who are the massive reasons for the successful careers of the student. Even though the 5th September is the day of celebration, we are grateful for your work every day. This is a day of celebration in honor of great philosopher, teacher and guide, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and the second president of our country, who had made lasting impact on the youth and the next generation to come. Appreciating teachers is so important because the work they do is so selfless and often undervalued for their contribution. And the teachers are only ones who play a major role in shaping the minds of the next generation. Teachers feel so proud and too happy when the student evolved to be better and more successful than them. They create future minds and the society we will live in really from them. It is indeed an honor and appreciate and privilege to be taught by such experts, but not by professionally. They also guided and helped us personally also in our many problems with utmost understanding and belief in us. Teacher and teaching can be attended anywhere if one is willing to. Thank you and happy teachers to all my dear and loving teachers. Thank you. O Rangabhoti, Re Rangabhoti, Are Rangabhoti, Rangabhoti, Kona Kona Tha, Hasipa De Kona Katha. Gula Je Laje, Laje Laje, He Laje Laje, Laje Laje, লাজে লাজে লাই যাচ্ছি মাথা মোর, নাই করো নাই করো অথা। আরে মিত্র ভালো গন্তিয়ার কথায় প্রভু দত্ত প্রধান করিল সুর, এত সুন্দর গীত আমাদের, এই গীত একটু তোমাদের ভাষায় শোনাবো নাকি গো। রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী, রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী, রঙ্গবতী রঙ্গবতী রঙ্গিলা অন্তরে হাবুডুবু তোমার কথা, রঙ্গবতী রঙ্গবতী রঙ্গিলা অন্তরে হাবুডুবু তোমার কথা। স্বপ্ন দিলে স্বপ্ন, স্বপ্ন স্বপ্ন,
তোমার মরি বাকি দুঃখ জুড়ে হাহাকার রঙ্গবতী 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 রে রঙ্গবতী রঙ্গবতী রে রঙ্গবতী প্রিয়া প্রিয়ার নোলক হাতে কাকন মন বিহঙ্গন আমার জীবন ধুলাই উড়ি যায় রে প্রিয়া প্রিয়ার নোলক হাতে কাকন মন বিহঙ্গন আমার জীবন ধুলাই উড়ি 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 যায় রে From class 5th. Today is Teacher's Day, so I want to say an English poem for teachers. My teacher is the best, she never ever has. She works hard day and night to make us very bright. She is like a light showing right path to the students. I learn new things every day. There is always time to play. She is like a mother to me. That's why I am not afraid to be me. My teacher's teaching is the very best. I love my all teachers. Thank you. Good morning, ma'am. My name is Nikhil Gunani, class 3B, roll number 25. Happy teachers, all of you. जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का सम्मान करो शीश झुकाकर श्रद्धा से तुम बच्चों उन्हें प्रणाम करो जीवन के हर अंधेरे में रोशनी हमें दिखाते शिक्षक अच्छे और बुरे की पहचान हमें कराते शिक्षक पहले देते हमको शिक्षा फिर लेते हमारी परीक्षा अक्षर अक्षर हमें सिखाते शब्द शब्द का अर्थ बताते कभी कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का सम्मान करो शीश झुकाकर श्रद्धा से तुम बच्चों उन्हें प्रणाम करो थैंक यू मेरा नाम दिशा है मैं कक्षा 8B में पढ़ती हूँ आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ अज्ञानता को मिटाकर वो ज्ञान का दीपक जलाते हैं दिए की भांति जल के शिक्षक जीवन रोशन कर जाते हैं
कोरे कागज जैसे हम अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, ज्ञान का भंडार है शिक्षक भविष्य सफल कर जाते हैं। अनुशासन का पाठ पढ़ाकर पहचान हमारी बनाते हैं, सही राह दिखाकर शिक्षक नैया को पार लगाते हैं। अच्छे बुरे की पहचान करा के सही मार्ग दिखलाते हैं, अमृत वाणी जैसे शिक्षक संपूर्ण जीवन प्रकाशित कर जाते हैं। धन्यवाद। Inspirational words are like beautiful footprint that have been etched in our heart and mind forever. Thank you. Happy Teachers Day to all. Good morning, teachers. आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है गुरु। गुरु का स्थान है सबसे महान, मिलता है जिनसे हमें अमूल्य ज्ञान। यही तो धरती पर है वो भगवान, जो कराते हैं हमें अक्षर का ज्ञान। गुरु की महिमा का तो किया है बड़ों बड़ों ने भी बखान। यही तो वे दानी हैं, जो देते हैं हमें विद्या का दान। नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, नन्हे से कदम लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। तो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे डाटे।
5th of September. Do you know why this date was chosen?
The mark the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was an Indian scholar. He was the second president of India to 1962-1967. He was a great scholar who dedicated his life toward education. Once he was asked by his student to celebrate his birthday. He simply replied and said, "Instead to celebrating my birthday, it would be my privilege. If September 5th is observed as Teacher's Day." Thank you. Happy Teacher's Day. The light of the world, the beacon in the dark, and the hope that gives us strength to survive, is the teacher. Today, we celebrate Teacher's Day, a day kept aside to honor the gifted souls who work every day to make sure that the future is bright for all of us. We celebrate Teacher's Day on 5th of the September every year in India. September 5th is marked by the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. And the Teacher's Day is celebrated in commemoration of his birthday. Along with being a successful leader on the form of the president of the country, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was a great scholar and an excellent teacher. As we all know that it is impossible to define teachers, as teachers are not only limited to teaching or guiding students in academic, but also helping students to take the right path. They add value to our character and make valuable citizens of the country. Let us thank our teachers for their invaluable efforts and guidance. We love you, teachers. We miss you, teachers. We thank you, teachers, for everything. We love you, teachers. We miss you, teachers. We thank you, teachers, for everything. Such a that we have, of the good of the
My name is Rehan Khan from class 3B. I am presenting one story, The Great Challenge. Ken, the musician, was born blind. His parents, however, treated him as an ordinary child. They taught him how to play games, ride a bike, water ski, and how to do all the other activities that an ordinary child does. Ken's parents made sure that he never used his blindness as an excuse in order to escape the difficult circumstances of life. Whenever Ken did anything well, he was praised and encouraged by his parents with love and care he received. Ken believed that blindness was not really a handicap to set about, but a challenge to be made bravely. When Ken was attending college, one day on the campus, he accidentally bumped into another blind student who said, "Hey, watch it! Can you not see that? I am blind." Ken was taken aback. Unlike this other student, he had never used his blindness as an excuse. He quickly apologized, "I am sorry, friend, I did not see you." For Ken, his blindness was no more a weakness. Blindness had become his strength. Despite his handicap, he could accomplish more than an ordinary child. The moral of my story is, where there's a will, there's a way. Thank you and have a nice day. Respected principal ma'am and teachers, a very good morning. I, Tanmay Chauhan of class 2nd A, wish you happy Teacher's Day today on the special occasion of Teacher's Day. I dedicate a poem to my loving teachers. हम स्कूल रोज है जाते, शिक्षक हमको पाठ पढ़ाते, दिन बच्चों का कोरा कागज, उस पर ज्ञान अमित लिखवाते, जाति धर्म पर लड़े ना कोई, सबसे करना सबसे प्रेम सिखाते, हमें सफलता कैसे पानी, कैसे चढ़ना शिखर बताते, सच्चो ये है स्कूलों में अच्छा एक इंसान बनाते। थैंक यू।
गुरुओं को मेरा प्रणाम। धरती कहती अंबर कहता बस यही तराना, गुरु आप ही पावन हो जिससे रोशन हुआ जमाना। जीवन जितना सस्ता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महत्ता है गुरु के आशीर्वाद से। हैप्पी टीचर्स डे। गुड मॉर्निंग मैम, हैप्पी टीचर्स डे रेस्पेक्टिव मैम एंड सो। माय नेम इज अनिका शर्मा, क्लास एट के जी। मेरी कविता का शीर्षक है मेरी मैडम कितनी अच्छी, मेरी मैडम कितनी अच्छी, हम बच्चों जैसी कितनी सच्ची, खेल खेल में हमें पढ़ाती, देरों अच्छी बात बताती, हम बच्चों जैसी प्यारी मैडम कितनी अच्छी, न्यारी मैडम मेरी मैडम कितनी अच्छी, हम बच्चों जैसी सच्ची। थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे 5 सितंबर। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हे शिक्षक, सिर्फ किताबें ज्ञान ही नहीं जीना भी सिखाते हे शिक्षक। हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स। This year may have
given us tough times, but our teachers have surely been a ray of hope. In these times, I would like to thank all the teachers on behalf of each and every student for your support. Thank you for guiding us, inspiring us. Good morning to all, respected Sister Principal, Sister Vice Principal, all sister teachers and my dear friends. I am Harsh Sharma from Class 4B. My father name is Mr. Jaydeep Sharma. First of all, I wish you very happy Teachers' Day. Teachers' Day is celebrated on 5 September. Teachers' Day is celebrated in memory of first Vice President Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Teachers' Day is also celebrated to honor of the all teacher effort in teaching. All teachers in my school are very nice. Their nature is very good. Teacher teaches very well. We get many knowledge with teacher. Teacher solve our all problems. We should respect our teacher. Never hurt them. Really, Teachers Day is very special day for teachers and students. Thank you very much. Have a nice day. Thank you.
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। मैसेल्फ खुशी माहटा फ्रॉम क्लास 8B। नाउ आई एम गिविंग हिंदी स्पीच ऑन द टॉपिक टीचर्स डे। हम यहाँ पर शिक्षक दिवस मनाने के लिए आए हैं। यहाँ बैठे सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना। शिक्षक दिवस को अंग्रेजी में टीचर्स डे भी कहते हैं। इस दिन हम अपने टीचर्स का धन्यवाद करते हैं। इस दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनके मित्रों ने उनसे कहा कि हम लोग आपका जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहते हैं, पर उन्होंने कहा अगर आपको मेरे जन्मदिन मनाना है तो उस दिन हम शिक्षक दिवस मनाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब से आज तक हम लोग उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाते हैं, उन्हें याद करते हैं और टीचर्स का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज हर्षिता तंवर एंड आई स्टडी इन क्लास 6C। Today I am going to perform on the song Thank You for the Teacher's Day.
Sister Principal, Teachers and all my dear friends. My name is Khushi Patnagar from Class 7C. We all have gathered here to celebrate our Teachers' Day. Today day is a very special day for all of us, where we can pay a hearty tribute to our dear teachers who take untiring efforts to build our future. Teachers' Day celebrated on 5th September. 5th September is the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was the second president of India. He was also a scholar and a teacher. When Dr. Sarvepalli Radhakrishnan became a second president of India, some of his former students wanted to celebrate his birthday on 5th September, but he suggested instead of celebrating his birthday on 5th September, it would be a proud privilege if this day celebrated as Teachers Day. Since 5th September is always celebrated as Teachers Day every year, students are enjoy this day with joy and happiness.
teachers focus on improving the students to and making students a good human being. Teachers also prepare students to face challenges and problems in their life. And teachers are undoubtedly backbone of our society. Thank you so much, teachers, for your efforts and dedication. Thank you so much. Chocolate, little, mini cupcake, cake, 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 cake,
टीचर्स डे हैप्पी टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। मैं इसी मौके पर सारे टीचर्स को एक कविता सुनाना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है टीचर होती एक पेड़। टीचर होती एक परी सिखाती हमको जीने, कभी सुनाती एक कविता कभी सुनाती एक कहानी। कभी कभी जो हम करें गलती कान पकड़े याद आए नानी। अच्छे काम पर मुझे शाबाशी टीचर मुझे बनाती आत्मविश्वासी। टीचर होती एक परी सिखाती हमको जीने। थैंक यू मैडम।